नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर बसुआ से। बसुआ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत नीलोज के बालाजी मंदिर महाराज के मंदिर पर एक धार्मिक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व हनुमान सेना के संरक्षक ठाकुर लोकमान्य सिंह का हनुमान भक्तों के द्वारा साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए ठाकुर शाह ने कहा कि हम सिर्फ मानव के अधिकार के लिए लड़ेंगे, वहीं हनुमान सेना संरक्षक व संगठन तो हम बता दें कि हमारा मकसद सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमें जातिवाद की राजनीति से बहुत दूर रहना है। हमें राजनीति के लिए संगठन बनाना होता तो हम 18 वर्ष के लोगों को संगठन में लेते, परंतु हमें 5 साल से लेकर ताउम्र के लोगों को लेना है। हमारे इस संगठन में कोई भी धर्म का व्यक्ति सदस्यता में ले सकता है। कोई पाबंदी की शर्त नहीं है कि वो राम का नाम बोले, हनुमान चालीसा का पाठ करे, कैसे भगवान का नाम ले बस। इस अवसर पर मोहित सैनी, धर्मेंद्र चौधरी, योगेश सैनी, सुशील शर्मा, कुशाल जांगिड़, माधव जांगिड़, रामकिशन सैनी, पंकज शर्मा, विश्व मोहन सैनी, चंदन जागीड़, अनुराग सैनी, दिलीप सैनी, अंकुर सैनी, दिनेश सैनी, संदीप शर्मा, योगेश सिंह, महेंद्र सिंह, रतन प्रजापत आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे।